Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So it's day 3 in Goa. मैंने day 1 और day 2 का vlog already मेरी channel पे upload कर दिया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो links description में available है. You can check out there. mesmerizing sunrise view and sound of the waves, जो सुकून मिलता है ना, literally can't explain. In today's video, I'm going to share very important information regarding water sports activities and much more. So stay connected. तो आज हम सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, एज इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स 8 o'clock. तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद हमारा प्लान है कि थोड़ी बहुत वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे. पर आज हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बागा पे नहीं करेंगे. हम जाएंगे कैलंगट बीच, और वो भी बीच पे वॉक करते हुए, क्योंकि इट्स ओनली 2.5 किलोमीटर्स फार फ्रॉम बागा बीच. अगर आप बीच से ही वॉक करते करते जाते हो तो आई डोंट नो बाय रोड इसका डिस्टेंस क्या है, पर हम लोग बाय रोड ट्रैवल नहीं करेंगे. हम वॉक करते करते पहुंच जाएंगे. बागा और कैलंगट दोनों ही यहाँ के बहुत फेमस बीचेस में आते हैं, और हमने ऑलरेडी बागा पे तो कल वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किया, पर आज जाते हैं कैलंगट और वहाँ पर भी चेक करते हैं कि कुछ नया वहाँ पे अवेलेबल है और प्राइस का कुछ डिफरेंस आता है नहीं. सो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू. तो स्टे ट्यून और ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखना. First of all, let's check out today's breakfast menu. Fruit salad, veg sandwich, cookies, mango shake, tea and coffee with bread, toaster is also available if you would like to toast it. Then we have herbs, potatoes, sauté veggies, chole bhature, idli sambar, chicken nuggets and boiled eggs. I must say, this is the best part about this hotel. Having breakfast early in the morning in front of the beach with the sound of cool waves, just amazing. देखिए, आज भी सुबह के टाइम ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है बागा बीच पर. अब हम चलते हैं कैलंगट बीच पर. जैसे कि आप देख सकते हैं, कैलंगट बीच पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू बागा बीच. सिटिंग अरेंजमेंट्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है. आई गेस यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आती होगी. चलते हैं और रेट्स चेक करते हैं. कैलंगट बीच पर तो कंपेयर टू बागा बीच रेट्स कम दिख रहे हैं. बागा पे बम्पर राइड के 600 लेते हैं, वो यहाँ पर 500 है, और जेट्सकी की यहाँ पर 300 है और बागा पर 500 लेते थे. बोट राइड भी बागा पे 2000 रुपीज़ में थी फॉर 7 पीपल, और यहाँ पर ओनली 1000 है फॉर 5 पीपल. मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बागा और कलंगट पे वाटर स्पोर्ट्स के रेट्स सेम ही हैं, बट नो इट्स डिफरेंट। कलंगट बीच पर रेट थोड़े कम है। If you want to know more details on water sports activities at Baga Beach, then you need to watch my previous vlog, which was day 2 in Goa. I will share the link in the description section. Kindly check that. ये सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डीप में एक्सप्लेन करी हुई है, तो इस वीडियो में फिर से नहीं बताऊँगी आप लोगों को। कैलंगट बीच पर अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए टिकट्स लेते हैं टिकट काउंटर से, तो मेक श्योर पहले आप पूरा समझ लें कि राइड कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्योंकि कैलंगट पे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कोई भी राइड आप लेते हैं तो उसमें ये लोग ऐसा करेंगे कि थोड़ा आगे सी में अंदर ले जाकर रोक देंगे एंड देन आपसे पूछेंगे कि अगर आगे जाना है तो आपको 200 रुपये या फिर 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर आप हाँ बोलोगे तो ही आगे लेकर जाएंगे, नहीं तो बहुत ही छोटा सा राउंड लगा कर वापस ले आएंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब हम जाएंगे वापस बागा बीच पर, और वापस जाते टाइम मैं आपको जितने भी बीच साइड शेक्स हैं वो दिखाऊंगी। ये जितने भी बीच साइड बेड्स दिख रहे हैं उसके लिए या तो आपको कुछ खाना या ड्रिंक ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर बेड का चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि होता है 100 रुपीज़, और वो भी पर आवर। कोई टाइम पे अगर भीड़ कम होती है तो वो चार्जेस नहीं लेते हैं और ऐसे ही बैठने देते हैं, इस उम्मीद में कि कोई भी अगर 1-2 घंटे भी बैठता है तो कुछ ना कुछ तो खाने का मंगवा ही लेते हैं। अब ये भी एक बेनिफिट रहता है बीच साइड होटल लेने का कि हमें ये बेड्स के लिए ना कोई चार्ज देना पड़ता है और ना ही कंपलसरी कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। होटल के गेस्ट के लिए उधर के बीच बेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल रहते हैं, दिन के टाइम पर भी और रात के टाइम पर भी। काफ़ी सारे शेक्स ऐसे भी होंगे कि उसके जस्ट अटैच्ड होटल भी हो, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं तो आपको बीच साइड होटल मिल जाएगी। जैसे कि ला सुलास जो क्लब है हमारा बीच पे, उसके अटैच ही हमारी होटल है। आई मीन एक ही अथॉरिटी है सिनॉन और ला सुलास की, तो हमें बीच साइड रहने के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एट लास्ट स्काई लॉफ्ट, जो कि ला सुलास का ही शेक है। नाउ इट्स इवनिंग टाइम, आज मंडे है, इट्स 15 नवंबर। ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। ये टाइम पे पैरासेलिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एज यू कैन सी बहुत सारे पैराशूट उड़ रहे हैं ये टाइम पे। ये जो बोट राइड है इसमें बहुत मज़ा आता है। इट विल कॉस्ट यू 600 रुपीज़ पर पर्सन, और ये बोट में आपको सी में काफ़ी अंदर तक लेकर जाएंगे, कुछ 20 से 25 मिनट के लिए लेकर जाते हैं। मुझे बड़ा मन था इस टाइम पे जाने का, पर उस दिन एयर डायरेक्शन बहुत ही वेरी हो रहा था, इसलिए उन्होंने ना बोला कि अभी नहीं ले जा सकते बोट, आप अगर आते हैं तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। मौसम फुल ऑन बारिश वाला हो गया और एकदम ठंडा भी हो गया था। आज फिर से हम टिटोस लेन पर आ गए। कल तो हमारी फ्लाइट है रात की, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में नहीं दिखाई थी वो आज कवर कर लेंगे। यहाँ पर ये फ़िश स्पा की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, टूरिस्ट जो आते हैं वो पसंद करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और गोवा में काजू की अच्छी वेराइटीज़ मिलती है। द कोंकण कोस्ट इज़ अ कैश ग्रोइंग एरिया एंड ओवर हाफ ऑफ दिस प्रोडक्शन हैपन्स इन गोवा इटसेल्फ। तो काजू यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिलते हैं और साथ ही में चॉकलेट्स की भी अच्छी वेराइटीज़ होती है। ये जो रेस्टोरेंट है ये एग्जैक्टली टिटोस लेन में ही है, प्योर वेज रेस्टोरेंट, और इसकी फूड क्वालिटी तो ज़बरदस्त थी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेज फूड तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ की पानी पूरी और डोसा बेस्ट था अकॉर्डिंग टू मी। और इसका किचन ऐसे ओपन है तो आपको हाइजीन लेवल भी पता चल जाएगा। टीटोस लेन खत्म होते ही अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहाँ आपको एक और वेज रेस्टोरेंट मिलेगी, ये वाली। वैसे मैंने यहाँ का फूड ट्राई नहीं किया था तो कांट कमेंट ऑन इट, बट आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की मार्केट में एक आपको टैटूज की भी बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेगी। मैंने नहीं करवाया एज आई डोंट लाइक टैटूज, हावेवर अगर आपको पसंद हो तो यू विल गेट वे मोर शॉप्स इन गोवा मार्केट। एंड हियर्स द नाइट लाइफ बिगिंस, म्यूजिक, लाइट्स एंड फन। इसी के साथ आज का दिन हम एंड करते हैं यहाँ पर। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप फर्दर अपडेट्स मिस ना करें। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।